अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नासा ने हाल ही में एक ऐसा प्लेनेट खोजा है जो दो स्टार्स को ऑर्बिट करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा प्लेनेट जो दो स्टार्स को ऑर्बिट करता हो, जहां पे आप एक ही जगह से दो सनसेट और दो सनराइज देख सकते हैं। और ये भी बात जरा सोचिए कि इसी प्लेनेट का जिक्र 1400 साल पहले हमारे कुरान पाक में हुआ था। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुरान पाक और आज के साइंस के बीच में कितना ज्यादा गहरा कनेक्शन है। आज का साइंस जो जो चीजें प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वो ऑलरेडी कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो, और वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आपके दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कर देना। दोस्तों, नासा ने इस प्लेनेट का नाम केपलर 16b रखा है, और उन्होंने इस प्लेनेट को 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था। और इसी प्लेनेट का जिक्र कुरान पाक के सूरह अल मारिज के अंदर हमें मिलता है, जिसके अंदर खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। दोस्तों, 2006 तक साइंस का यह मानना था कि इंसान के बाल सिर्फ बुढ़ापे की वजह से ही सफेद होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान शरीफ के अंदर इस बात को मेंशन किया हुआ है। तो क्या कहा है कुरान के अंदर? सूरह अल मुजम्मिल आयत नंबर 17 के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। और आजकल की मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि बाल सफेद होने का रीजन सिर्फ बुढ़ापा ही नहीं है, बल्कि स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी भी हो सकते हैं। और इसी बात को कुरान के अंदर 1400 साल पहले बता दिया गया था। दोस्तों, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स और इस्लाम के और कुरान के बारे में कुछ हिडन सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक मैं वो बातें अच्छे से पहुंचा सकूं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुरान के अंदर सूरज के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे जानकर शायद आप हैरान हो जाओगे। सूरज के अंदर 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है, और पीरियडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का सिंबल H बताया गया है, जो कि अरबी में जाकर हा बनता है। कुरान के अंदर एक सूरह है, सूरह अलशम्स। अलशम्स का मतलब हिंदी में सूरज होता है, और इस सूरत में टोटल 15 आयतें हैं, और इस सूरह की हर आयत हा पे खत्म होती है। ये कुरान की एक ऐसी वाहिद सूरह है जिसकी हर आयत हा पे खत्म होती है, और कुरान के अंदर इस सूरह को 91 नंबर के ऊपर मेंशन किया हुआ है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यूनिवर्स बनने के बाद में सूरज 91 मिलियन ईयर्स के बाद में बना था। सूरज और जमीन के बीच की कम से कम दूरी 91.4 मिलियन माइल से, जो इस सूरज का नंबर भी है। और इसके अलावा सूरज और जमीन के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और इस सूरज के अंदर आयतें भी 15 है। सूरज के कोर का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस है, जो की इन सूरज की आयतों का नंबर है, यानी की 15। और इसी तरह की कई जानकारियां कुरान के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, जो आज की साइंस को और लोगों को हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि स्पेस को फोल्ड किया जा सकता है, यानी कि मोड़ा जा सकता है? 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी, जिसमें बताया गया कि स्पेस को मोड़ा जा सकता है, और आज की साइंस भी इसे मानती है। जबकि कुरान में ये बात सूरह अल अंबिया के अंदर 1400 साल पहले ही बताई गई है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामे अमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर यह करने वाले हैं। आज की साइंस ने यह खोज की है कि इंसान की हड्डियां कुछ समय बाद में लोहे और पत्थरों के अंदर बदल सकती है, जिसे पेट्रीफाइड कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि 1400 साल पहले इसका जिक्र ऑलरेडी कुरान के अंदर मेंशन है। कुरान में सूरह अल इसरा आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई में हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। इस आयत के अंदर आप देख सकते हैं कि पहले ही बता दिया गया कि इंसान की हड्डियां मरने के बाद भी लोहे में या तो पत्थर में बदल सकती है। और आज हजारों साल के बाद में साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है, और यही बात प्रूव करती है कि कुरान हक है और कुरान सच है, और इस्लाम ही इस दुनिया का सच्चा मजहब है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि स्पेस में जाने के बाद में जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं उनकी आंखों का विजन ब्लर हो जाता है? कुरान के अंदर 1400 साल पहले इसी बात को मेंशन किया गया है। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट की आंखों को इफेक्ट करती है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तब स्पेस उनकी आंखों के विजन को ब्लर कर देती है, और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। तो क्या लिखा है इसके बारे में कुरान में? सूरह अल हिज्र आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दे ताकि दिन के वक्त में उसमें चढ़ जाए, तब भी वो यही कहेंगे कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। सोचो, 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस फिनोमिना की हिंट दी थी, और हाल ही में इस बात को साइंस भी प्रूव कर चुकी है। आप सभी को पता है कि जो लोहा हम इस्तेमाल करते हैं वो स्पेस से आया है, वो इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं है। आज से हजारों साल पहले एक मीटियोर धरती से टकराया था, तब जाकर ये लोहा धरती पर आया था, और इस बात को भी कुरान के अंदर मेंशन किया हुआ है। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है,
और लोगों के लिए फायदे हैं। अब इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल स्पाइडर यानी कि मादा मकड़ी जब अपने बच्चे पैदा करती है तब वो मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनकी माँ को वो मार देते हैं। मकड़ी का जाला ये दुनिया का सबसे कमजोर और सबसे खतरनाक घर है। कुरान के अंदर ऑलरेडी इस दिलचस्प बात का जिक्र है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे है उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला, और आज की साइंस भी ये मानती है कि कुरान सच है। इस आयत के अंदर क्लियरली इस बात को मेंशन किया हुआ है कि घर फीमेल स्पाइडर बनाती है न कि मेल स्पाइडर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि काफी समय तक साइंस का यह मानना था कि जाला यानी कि घर मेल स्पाइडर बिल्ड करते हैं न कि फीमेल स्पाइडर, लेकिन कुरान के अंदर इस बात को क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जाला यानी कि घर फीमेल स्पाइडर बनाती है न कि मेल स्पाइडर। और आज आप भी इस बात को जान गए। हम सब जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो इंसान के जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, क्योंकि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करते। और कुरान के अंदर इस बात का भी जिक्र है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्यों नहीं हम इस बात पे भी कादिर है कि उसकी उंगलियों के पोर को भी दुरुस्त कर दे। हजारों साल पहले किसे पता था जब इंसान आसमान पर चढ़ेगा तब ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका सीना फूल जाएगा यानी कि टाइट हो जाएगा। कुरान के अंदर सूरह अल अनाम के अंदर बयान किया गया है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया जाता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वाले पर अजाब मुसल्लत कर देता है। इस आयत के ऊपर जरा गौर करो, उसका सीना तंग बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो आसमान पर जबरदस्ती चढ़ रहा है। हम सबको पता है कि सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है, समंदर की गहराई के अंदर सनलाइट नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर ये बात सच है तो समंदर की गहराइयों में जो जानवर है वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह समंदर में वहां भी रोशनी कर देता है जहाँ इंसान अपना हाथ भी ठीक से नहीं देख सकता। और साइंस ने ये बात प्रूव कर दी है कि समंदर के गहराइयों में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये भी इस दुनिया का नहीं है। आज से कई हजारों साल पहले एक मीटियोर के जरिए पानी दुनिया पर लाया गया। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज के जरिए ये बात पता चल गई है। काश ये लोग पहले कुरान पढ़ लेते, कुरान ने इसे भी रिवील कर दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी को जमीन पे उतारा और उसे जमीन पर ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर है। तो ये थी साइंस की कुछ बातें जो कुरान के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के जरिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और इस्लाम के बारे में हिडन सीक्रेट वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।